वायरस दे नवें मरीजां दी गिनती विच कोई गिरावट नहीं आई, जिस करके अज पंजाब सरकार ने समाजिक अते जनतक समारोह बारे सख्त निर्देश दिते ने। सरकार ने व्याह दीआं रस्मां अते समाजिक प्रोग्रामां दे संबंध विच नवीआं हिदायतां जारी कर दित्तीआं ने। हुण सिर्फ 30 लोक व्याह दे समारोह विच हिस्सा लै सकदे ने। इसे तरह समाजिक प्रोग्रामां अते समागमां विच 5 तों वध लोक हिस्सा नहीं लै सकणगे। इन्हां निर्देशां दी उलंघना करन दी सूरत विच FIR दर्ज की जाएगी। कोरोना वायरस के नवे मरीजों की गिनती करके हुण किसी भी ब्याह शादी के समागम विच मेहमानों की गिनती 50 तो घटा के 30 कर दी गई है, जबकि भोग जन्मदिन पार्टी विच 5 तो वध मेहमान हिस्सा नहीं लै सकणगे। अते जे अजिहा हुंदा है तां पुलिस नूं FIR दर्ज करन दा अधिकार दिता गया है। जे मैरिज पैलेस जां होटल विच रस्म आयोजित कीते जांदे ने तां उत्थे प्रबंधन नूं भी जिम्मेवार ठहराया जाएगा ते नियमां दी उलंघना करन दी स्थिति विच लाइसेंस नूं मुअत्तल कीता जा सकदा है। इस तों इलावा ब्याह वालियां थावां, होटल अते होर व्यापारक स्थानां दे प्रबंधन नूं लाजमी तौर ते प्रमाणित करना चाहीदा है कि अंदरूनी थावां ते हवादारी लई ढुकवें प्रबंध कीते होने चाहीदे ने। दस दईए कि सूबा सरकार ने पंजाब विच कोरोना वायरस फैल रही कम्युनिटी नूं रोकण लई चेन्नई IIT दे माहरां नाल समझौता कीता है। इस दे नाल ही पंजाब सरकार ने जनतक थावां दे नाल नाल काम करन वालियां थावां, दफ्तरां, बंद थावां ते मास्क पहना लाजमी कर दिता है। इस दे नाल ही सरकारी दफ्तरां अते अजिहियां मीटिंगां विच किसी भी तरह की पेशकारी ते पाबंदी लगाई है जिस विच 5 तों वध लोक शामिल हुंदे ने। इस दे नाल ही मीटिंगां विच चाह आदि परोसने ते भी मनाई कीती है। इस नाल ही पंजाब सरकार ने राज दे समूह डिप्टी कमिश्नरां नूं निर्देश दिते ने कि इह यकीनी बनाया जावे कि उन्हें दे जिले विच कोई भी निजी हस्पताल कोविड-19 मरीजां दा इलाज करन तों इनकार ना करे।